आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल प्राइड अवार्ड में हुआ संवाददाताओं का सम्मान, वाणिज्य कर मंत्री ने किया सम्मान। अल्टरनेट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वर्कशॉप का हुआ शुभारंभ, सीएम कमलनाथ ने कहा इकोनॉमी बढ़ाने की जरूरत। भोपाल कमिश्नर ने संभाग के कलेक्टरों से की चर्चा, कलेक्टरों की नहीं सुनता स्वास्थ्य विभाग। में जल प्रदाय योजना का हुआ शुभारंभ, 20,000 लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी। और महिला के पेट से निकला 17 किलो 700 ग्राम का ट्यूमर, डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर निकाला ट्यूमर। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। दखल प्राइड अवार्ड समारोह में दखल न्यूज के संवाददाताओं को दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन सभी को वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने सम्मानित किया। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने सभी का उत्साहवर्धन किया। दखल न्यूज को सदैव आपके हक में रखने वाली टीम के बेहतरीन संवाददाताओं को दखल प्राइड अवार्ड सेरेमनी में मंच साझा करने का अवसर मिला। समारोह में विशेष अतिथि ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने सभी दखल संवाददाताओं की तारीफ की और उन्हें दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा। दखल न्यूज के एंकर विशेष संवाददाता सत्यम शर्मा का मंच से जब नाम पुकारा गया तो वो अतिथियों के इंटरव्यू करने में व्यस्त थे। उनकी मेहनत के लिए उन्हें दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव भी अवार्ड सेरेमनी में शूट कर रहे थे। अचानक अपना नाम सुन के दौड़ते भागते हुए मंच पर पहुंचे और दखल प्राइड अवार्ड ग्रहण किया। दखल न्यूज के आंचलिक युवा पत्रकार रीवा के जवा इलाके के दुर्गेश यादव को युवा पत्रकारिता के लिए दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के बीच खोजपूर्ण खबरदारी करने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजीव पचौरी को उनके दीर्घ अनुभव के लिए दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। उनका अवार्ड छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मनोज राय ने ग्रहण किया। राजनीति और कला संस्कृति के गढ़ ग्वालियर के युवा पत्रकार अंकुर जैन को भी दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिंगरौली और सीधी में आम लोगों और गरीब गुरबों की आवाज़ को खबर बनाने वाले पत्रकार संतोष द्विवेदी को दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पत्रकारिता करने वाले धीरेन्द्र सिंह को आम लोगों के हक में खबरें करने के लिए दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री कमलनाथ और योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष मोंटेंग सिंह अहलूवालिया ने अल्टरनेट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वर्कशॉप का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अर्थव्यवस्था का बढ़ना जरूरी है, आर्थिक गतिविधियां बनी रहें इसके लिए निवेश बढ़ाना होगा। पूरा देश बदल रहा है, हमें भी बदलाव को स्वीकार कर उसके हिसाब से अपनी नीति और कार्यक्रम बनाने होंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ और योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष मोंटेंग सिंह अहलूवालिया ने अल्टरनेट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वर्कशॉप का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीपीटी मॉडल पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई। शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधारनी चाहिए, आर्थिक गतिविधियां बनी रहे इसके लिए निवेश बढ़ाना होगा। देश बदल रहा है, हमें भी बदलाव को स्वीकार करना होगा और उसके हिसाब से ही अपनी नीति और कार्यक्रम बनाने होंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, यह योजना सिर्फ सड़क निर्माण से ही जुड़ी नहीं है, यह एक ग्रामीण व्यवस्था को गति देने वाली योजना है। इसने रोजगार के अवसर दिए हैं, गतिविधियां तेज हुई हैं, आर्थिक विकास हुआ है। कर्ज माफी को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जब हमने यह योजना लागू की थी तब हमारी अर्थशास्त्रियों और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों ने आलोचना की थी। मध्य प्रदेश में 70% लोग ग्रामीण आबादी के हैं जो खेती किसानी से जुड़े हैं। किसानों की परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए कर्ज के बोझ को कम किया जाना चाहिए। कमलनाथ ने कहा, युवा इस देश के निर्माण करने वाले हैं, हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी जनरेट हो। हमें अपने खनिज संसाधनों का सही से उपयोग करना होगा। केंद्र द्वारा फंड रोके जाने से विकास की गति न रुके, इसलिए एक महत्वपूर्ण कार्यशाला रखी गई है। कमलनाथ ने कहा, सरकारी जमीनों की ई नीलामी होगी और सरकार की आय बढ़ेगी। हर शहर का मास्टर प्लान बनाया जाएगा, डिजिटल मॉडल से मास्टर प्लान बनेंगे। निमाड़ के मिर्च की सरकार ब्रांडिंग करेगी। होशंगाबाद में कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म तैयार की है और इस बार होशंगाबाद कृषि के क्षेत्र में नया आयाम रचेगा। कैसे राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध करे, इसके बारे में हमने ये सेमिनार किया है। देश भर से लोगों को आमंत्रित किया कि उनके सुझाव सुने। जो परिवर्तन हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर में, जो परिवर्तन देश में हुआ है, इस सब को हम कैसे मध्य प्रदेश को जोड़ें।
भोपाल कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर भोपाल संभाग के कलेक्टरों से चर्चा की और समस्याओं को जाना। बैठक में स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा काफी गहराया रहा। बैठक में विदिशा कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जिले में काम कराना भगवान को प्रसन्न करने जैसा है, जिसके बाद नाराज संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुधीर जैसानी को जमकर फटकार लगाई और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को आदेश का पालन करने की नसीहत दी। भोपाल कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल संभाग के सभी कलेक्टरों से 1-to-1 चर्चा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा काफी गहराया रहा। संस्थागत प्रसव के आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए तत्काल इसे दुरुस्त करने की बात कही गई। बैठक में विदिशा कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जिले में काम कराना भगवान को प्रसन्न करने जैसा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोई भी काम करने को कहा जाता है वह उसको सुनता तक नहीं, CMHO से लेकर आला अधिकारी तक तवज्जो नहीं देते। इससे नाराज संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुधीर जैसानी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी दिए गए आदेशों का पालन करें। भोपाल कमिश्नर ने निर्देश दिए कि मातृ वंदना योजना में विदिशा रायसेन भोपाल की स्थिति में अत्यधिक कार्य करने की जरूरत है। डॉक्टर्स अपने क्षेत्र में भ्रमण कर मौजूदा स्थिति रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपें, तभी सभी योजनाओं की स्थिति सामने आएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रियाशील बनाया जाए। लाडली लक्ष्मी योजना में सीहोर को छोड़कर सभी जिलों को कार्य करने की जरूरत है। वन स्टॉप सेंटर एवं ICPS में मापदंडों के अनुसार कार्य किया जाए। सिंगरौली में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल व पंचायत विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जल प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से करीब 20,000 लोगों को शुद्ध पानी की सप्लाई की जाएगी। सिंगरौली में 135 करोड़ की लागत से बनी बृहद जल प्रदाय योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के शुरू होने से नगर निगम क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा, जिससे लोगों को बीमारियों से भी निजात मिलेगी। बताया जा रहा है कि वाटर ट्रीटमेंट से पानी को शुद्ध कर 10 टंकियों में भरा जाएगा, जहां प्रतिदिन 4 करोड़ लीटर पानी को शुद्ध करके 26 वार्डों में सप्लाई किया जाएगा। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार हर व्यक्ति को 55 लीटर शुद्ध पानी देगी। इस योजना के लागू होने से नगरीय क्षेत्रों में लोगों को दूषित पेयजल से मुक्ति मिलेगी, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। वाटर सप्लाई स्कीम का लोकार्पण हुआ और इसमें रुका हुआ काम था, विवादित काम था, इसको हमने खनिज न्याय निधि के माध्यम से लगभग 25 करोड़ की राशि देकर उसको पूर्ण करवाया। और इसका पीछे जो मुख्य विजन था माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने पानी का अधिकार जनता को देने के लिए कानून बनाया, आयोग बनाया, और उसके लिए विजन यही कि आने वाले 4 वर्षों में सरकार गाँव-गाँव में प्रत्येक व्यक्ति तक पानी का जो अधिकार उसको देने का प्रयास कर रही है। ये ऐसा देश में पहली सरकार है जो पानी का अधिकार जनता को दिया है। कार्यक्रम में मौजूद पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हमारी सरकार जब से आई है लगातार विकास कर रही है। 4-लेन सड़क को लेकर उन्होंने कहा कि यह केंद्र के अधीन आता है, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ इस सड़क को लेकर चिंतित हैं और जल्द से जल्द सड़क का कार्य पूरा किया जाएगा। और मनरेगा जैसी योजना का राशि रोकना हम समझते हैं कि उचित नहीं है। तो केंद्र सरकार कहीं न कहीं मध्यप्रदेश सरकार के साथ दोहरा रवैया कर रही है, इस पे उनको ध्यान देना चाहिए और भाजपा के नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए और माफ करनी चाहिए। ऐसे ही किसानों के साथ भी कर रहे हैं, किसानों का बोलते अगर हम बोनस देंगे तो सब राहत देना बंद कर देंगे, ये गलत बात है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। धान खरीदी में दिक्कत कर रहे हैं, ये सारा जो समस्या खड़ी हुई है केंद्र सरकार की दोहरी नीति की वजह से है। प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को बने करीब 1.25 साल हो गया है, लेकिन जमीन पर काम अब तक दिख नहीं रहे हैं। भाजपा सरकार को कोसने वाली कमलनाथ सरकार भी अब घोषणाएं करने में लगी है। रीवा में डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन करते हुए एक महिला के पेट से 17 किलो 700 ग्राम का ट्यूमर निकाला है। ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ बताई जा रही है। रीवा जिले के त्योथर में डॉक्टरों द्वारा एक महिला पेशेंट के पेट से 17 किलो 700 ग्राम के लगभग का ट्यूमर निकाला गया। जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय महिला निर्मला सिंह भदौरिया के पेट में अचानक दर्द हुआ और पेट फूलने लगा। डॉक्टरों द्वारा जांच के पश्चात महिला के पेट में ट्यूमर होना बताया गया। महिला का ऑपरेशन सर्जन डॉक्टर संतोष सिंह ने किया। हॉस्पिटल के संचालक प्रभाकर सिंह इस ऑपरेशन को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ है। दरअसल एक माता जी थी, लगभग 60-62 साल उम्र है उनकी। उनको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी, पेट काफ़ी सूजा हुआ था। एक दिन दिखाने आई, जांच वगैरह उनका हुआ था, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन हुआ था, उसमें ट्यूमर दिया हुआ था। तो अभी कल डॉक्टर संतोष सिंह सर्जन द्वारा जो है हमारे अस्पताल में ऑपरेशन किया गया और काफ़ी टाइम लगा ऑपरेशन में और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। लगभग 18 किलो का ट्यूमर जो है 17 किलो 700 ग्राम उसका वजन था और साइज आप देख सकते हैं अभी रखा हुआ है।
ऑपरेशन हुआ, मरीज एकदम स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, बोल चाल रही हैं। यहाँ मुझे आने से जिस तरह से ये केस था हमारी माता जी का ट्यूमर, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन जितने अच्छे से ऑपरेशन किया गया यहाँ पर, मैं यहाँ के डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब को बहुत कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो कहूँ वो कम है, क्योंकि असंभव चीज़ था, क्योंकि ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो चुका था और जिस दिन से हम जाने हैं रिपोर्ट में आई कि ट्यूमर है तो हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से ऑपरेशन किए, बहुत कम टाइम में ऑपरेशन और बहुत अच्छा। समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक कार से करीब 2 करोड़ की नकदी बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार से बड़ी मात्रा में पैसे ले जा रहे हैं और ये लोग अवैध हथियार के धंधे में लिप्त हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। एडिशनल एसपी पंकज पांडे ने मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा नकदी के साथ गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार से नकदी ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग प्वाइंट लगाकर कार में मौजूद 2 लाख रुपए से 2 करोड़ 1 लाख रुपए बरामद किए। कार सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम ब्रजनंदन सोनी और राजेश एरचिया बताया। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पकड़े गए युवकों ने बताया कि उक्त रकम झांसी निवासी कल्लू कमरिया द्वारा दी गई है। पुलिस ने रकम आयकर विभाग को दे दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा एक गोपनीय सूचना मिलने पर कल रात 13-14 की जो दरमियानी रात है, लगभग 2 बजे जो हाईवे है उसमें चेकिंग लगा करके एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को रोका और उसमें जो 2 व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की और गाड़ी की चेकिंग की, तो जो 2 अलग सॉकेट बने हुए थे उसमें जो कुल राशि थी 2,01,30,000 रुपये उसकी जब्ती की है, गाड़ी की भी जब्ती की और दोनों आदमियों को अरेस्ट किया है। जो राशि है वो किसकी है इसका कोई जवाब जो गाड़ी वाले थे वो नहीं दे पाए, अनअकाउंटेड राशि थी ये, इसको जब्त करके साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दी गई है। पुलिस और इनकम टैक्स विभाग दोनों इसका अपने अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सिगरौली में अचानक एक साइकिल की दुकान में भीषण आग लग गई, बामुश्किल फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। सिंगरौली में बरगवा थाना अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने साइकिल की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड व स्थानीय व्यक्तियों की सहायता से 1 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यदि समय पर आग पर काबू न पाया जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कचरे के ढेर में लगी आग के कारण यह हादसा हुआ है। सिंगरौली पुलिस ने एक बदमाश को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश लोगों को तलवार दिखाकर डरा धमका रहा था। पुलिस ने बदमाश पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मोरवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने एक बदमाश रोहित यादव पर कार्रवाई करते हुए धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह बदमाश तलवार दिखाकर लोगों को डरा और धमका रहा था। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पेट्रोलिंग पार्टी जब हमारी पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान सूचना मिली कि कन्या विद्यालय के पास एक व्यक्ति धारदार हथियार लेके लोगों को डरा धमका रहा है, तो तुरंत ही अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया और मौके पर टीम रवाना की गई। मौके पर जाकर एक व्यक्ति का जिसका नाम रोहित उर्फ मुंडू यादव है, धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और 25वीं आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा में बड़ा देवी स्थापना एवं 3 दिवसीय कोया पुनेम गाथा प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। छिंदवाड़ा में परासिया तहसील के खिरसा डोह बस्ती में बड़ा देव स्थापना एवं 3 दिवसीय कोया पुनेनम गाथा प्रवचन का आयोजन किया गया। इस दौरान पुरानी संस्कृत को याद करते हुए लोगों ने पुरानी पद्धति से पूजा अर्चना की। प्रवचन में लोगों को देवी देवताओं और प्रकृति शक्ति के बारे में कथावाचक ने बताया। कार्यक्रम में सबसे पहले बड़ा देव की स्थापना कर पूजा की गई। आयोजन के बाद भंडारा हुआ।
इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में प्लास्टिक सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 24 लोगों की निःशुल्क सफल प्लास्टिक सर्जरी की गई। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्लास्टिक सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन के लिए एक दर्जन डॉक्टर सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय में यूएसए से आए। शिविर में गर्म पानी में गिरने, बिजली के करंट, स्टोव अथवा गैस की आग से जलने, कटे होंठ और कई तरह के मरीजों का सर्जरी की गई। घटना से पीड़ित मरीजों ने इस दौरान अपने दर्द भी बयान किए। शिविर में मरीजों व उनके साथ आए हुए परिवार जनों को भी खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई। शिविर का आयोजन संत हिरदाराम जी एवं सिद्ध भाव जी के मार्गदर्शन में किया गया। We are very happy to be here. We have gotten such great cooperation from the whole hospital staff. Everybody here has been very, very good to us. We're very impressed with the fact that they are so dedicated to helping the people in their country who otherwise would not be able to get medical care. It's been a great experience for us. It's been a great experience for the patients. We really appreciate what this hospital does for the community. Eye camps to hamesha lagte rehte hain. Saath mein kabhi-kabhi urology shivers aur plastic surgery shiver bhi lagte rehte hain. Abhi 8 tarikh se plastic surgery camp chal raha hai, jisme America se doctors नर्सिंग स्टाफ की 9 लोगों की टीम आई हुई है, जिसमें खास करके जो मुख्य डॉक्टर हैं वो डॉक्टर रेडसन हैं जो अमेरिका से आए हैं, उनके साथ डॉक्टर राजा रवेला एनेस्थेटिस्ट हैं, नर्सिंग टीम है जो भावना से सेवा कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।